विराट कोहली ने जानबूझकर कराया रनआउट तो भावुक होकर रो पड़े सूर्य कुमार यादव, फिर कर दिया बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक बेहद ही शानदार मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के रनआउट को लेकर अब सूर्य ने बड़ा खुलासा किया है, जहाँ पर उन्होंने विराट कोहली को भी सवालों के घेरों में डाल दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सूर्य ने क्या बयान दिया है उनके रनआउट पर और क्या क्या है बड़ा खुलासा बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार से रनआउट हुए वो एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने बड़ा खुलासा किया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव के रनआउट होने के बावजूद भी विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए दमदार बल्लेबाजी की और टीम को शानदार तरीके से लक्ष्य तक पहुंचाया। विराट कोहली ने आखिर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार 95 रनों की पारी खेली। हालांकि उन्होंने कई बल्लेबाजों के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की, जिसमें सरेश अय्यर, केएल राहुल और रविंदर जडेजा शामिल थे। और इन तीनों बल्लेबाजों के साथ हुई 50 से भी ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप के चलते ही टीम इंडिया आखिर में जीत तक पहुँची। लेकिन दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली के उस रनआउट पर बड़ा खुलासा आखिरकार कर ही दिया है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव को पता था कि वो गलत रनआउट हुए हैं। जब उनको दोस्तों मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आप आपके रनआउट के ऊपर क्या कहेंगे तो सूर्य ने कहा, ये रनआउट मेरे लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये मेरा पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला था जिसमें मैं बड़ा स्कोर बना के इसे बेहद ही शानदार तरीके से यादगार बनाना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से मैं आउट होकर पेवलियन लौटा, ये रनआउट मुझे ज़िंदगी भर सताता रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे पास वर्ल्ड कप के पहले मैच को यादगार बनाने का अच्छा मौका था। इसके बाद उन्होंने कहा कि रनआउट में मेरी गलती उतनी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सिंगल लेना था और मैं क्रीज से निकल भी चुका था। विराट ने मुझे पहले मना नहीं किया और उन्होंने भी 2-4 स्टेप आगे दे दिए। इसके बाद मेरी नज़र गेंद की तरफ थी और मैं रन लेने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन इसी बीच विराट वापस मुड़ गए और मैं बीच रास्ते में अटक गया। इसके बाद मुझे अपना विकेट देना था, क्योंकि विराट कोहली भारत को मुकाबला जिता सकते थे, जिसके लिए उनके लिए मैंने अपना विकेट दे दिया। तो दोस्तों, इसके बाद सूर्य कुमार यादव बात करते करते भावुक हो गए और वो रोने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को रनआउट कराया विराट कोहली ने या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें।